सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 का थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करेंगे। अभी तक हम इस चैप्टर में मोशन की डेफिनेशन, मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी डायमेंशंस, सिंबल्स एंड यूनिट्स एंड इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स, एक्सेलरेशन, नॉन एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, रिलेटिव वेलोसिटी, स्पीड, इनके टाइप्स, तो ये सारी चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज ग्राफ्स। ग्राफ्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये हमारे लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो जाता है क्योंकि इसमें इतने सारे ग्राफ्स की वैरायटी होती है तो समझ में नहीं आता कि किस तरीके से इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हम ग्राफ्स को कैसे करेंगे सॉल्व। अभी तक जो हमने ग्राफ्स पढ़े होते हैं वो 9th और 10th में हम पढ़ते हैं, स्पेशली 9th क्लास में हम ग्राफ्स पढ़ते हैं। 3 टाइप्स होते हैं ग्राफ्स के, लेकिन जब हम 11th में पढ़ते हैं तो हम 6 टाइप पढ़ेंगे। और 9th और 11th के ग्राफ्स में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि 9th में सिर्फ हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि लाइन कहाँ से पास हो रही है, बट 11th क्लास में हम ग्राफ में स्लोप्स भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ मोशन है, 3 टाइप्स हैं आपके पास। फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम, सेकेंड वेलोसिटी टाइम, थर्ड है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तीनों टाइप्स आप 9th में पढ़ चुके हैं और इसके अलावा 3 पार्ट्स अभी हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। अब सबसे पहले वाला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट है ये और टाइम, ये बेस लाइन जो है ये टाइम हो गया और यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो इस सिचुएशन में फॉर अ स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी बॉडी का मतलब है कि कोई भी चीज़ जब एट रेस्ट पे होती है, मीन्स कि उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे आपका ग्राफ कैसे बनेगा, तो वो आप ऐसे यहाँ से कॉन्स्टेंट स्पीड से जाएगा। और इसके अलावा ग्राफ्स में अभी हम इस वीडियो में जितना भी कुछ पढ़ेंगे उन सब के नोट्स आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे और उसके साथ साथ इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देन डिस्प्लेसमेंट और टाइम का सेकेंड ग्राफ देखिए, बॉडी मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अगर बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है, और जब मैंने आपको मोशन बताया था, मोशन के टाइप्स पढ़ाए थे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, तब मैंने आपको बताया था कि जब स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करती है या ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उससे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मीन्स कि अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन में होगा। थर्ड ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, बॉडी मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। जब बॉडी एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या कर रही है, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। इसका ऑपोजिट दूसरा केस देखिए, बॉडी मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन, तो इस केस में जो हमारी एक्सेलरेशन है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ग्राफ वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई बात क्लियर नहीं होती है तो आप प्लीज़ मुझसे वो डाउट्स कमेंट करके पूछेगा ताकि मैं आपको वो चीज़ दोबारा से रिपीट कर सकूं और मैं उसे समझा सकूं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम का लास्ट ग्राफ देखिए, ए बी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बॉडी मूविंग विद अ इन्फिनाइट वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का लास्ट ग्राफ है आपका। अब इसमें बोला जा रहा है कि बॉडी जो है वो मूव करिए इन्फिनाइट वेलोसिटी से। इन्फिनाइट का मतलब होता है जहाँ जिसका कोई एंड ही ना हो, बट ऐसा पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जब वेलोसिटी पढ़ते हैं तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था इनिशियल एंड फाइनल दो टाइप्स होते हैं, इनिशियल मीन्स की स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल मीन्स की जो लास्ट एंड पॉइंट है। तो जब हम इनिशियल और फाइनल की बात कर रहे हैं तो उसमें इन्फिनाइट वर्ड तो कभी आ ही नहीं सकता। तो बॉडी मूविंग विद द इन्फिनाइट वेलोसिटी बट सच मोशन ऑफ अ बॉडी इज नेवर पॉसिबल, तो ये टाइप जो है मोशन की ये पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपका ग्राफ आता है तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के 5 टाइप्स है। इसके अलावा अभी हमने ड्रॉ कर रहे हैं, इसके अलावा जो आता है, मैंने बोला भी आपको कि 11th में हम स्लोप पढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एवरेज वेलोसिटी देता है। ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्लोप है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो उससे आपको क्या मिलता है, तो उससे हमें एवरेज
वेलोसिटी मिलती है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास थ्री टाइप्स है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये हमने फर्स्ट पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सेकंड पार्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जितने भी ग्राफ हैं हम नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, बट एक बार आपकी रिवीजन हो जाएगी तो आप सेकंड पार्ट पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड टाइप आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप जो है वेलोसिटी टाइप ग्राफ का वो हमेशा एक्सेलरेशन देता है। अब इसमें देखिए फर्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। When a body moving with a uniform velocity, the slope of AB indicates zero acceleration. ये velocity time graph है, meter per second में होती है velocity, तो यहाँ पर जो AB है ये zero acceleration show करेगा। Second situation है when a body start from rest, rest से means कि zero से body ने start किया and move with a uniform acceleration। जब कभी भी हम uniform acceleration की बात करेंगे तो means कि motion आपका straight line में हो रहा है। Greater is the slope of VT graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर ज़्यादा होता है तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स कि वेलोसिटी टाइम जब टाइम इंक्रीज करेगा तो जो वेलोसिटी है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करती जाएगी। नेक्स्ट टाइप है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ज़ीरो। अब कोई भी बॉडी मूव करे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स कि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में है, यूनिफॉर्म है, बट जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं होगी। अब इसमें ग्राफ में देखिए ये टाइम, ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, मींस कि पॉइंट ज़ीरो नीचे होता है, यहाँ से ऑब्जेक्ट की मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी तो थोड़ा ऊपर से मूव करेगा, तो ए बी आपकी यहाँ पे वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड में। देन नेक्स्ट ग्राफ है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जब कभी भी एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी उसके साथ में इसकी एक ऑपोजिट कंडीशन आती है जिसमें एक्सेलरेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो अगर स्लोप डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन भी आपकी डिक्रीज करेगी, या ये कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करिए तो स्लोप इंक्रीज करेगा। लास्ट ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम का। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट ज़ीरो। अगर कोई भी बॉडी रिटार्डेशन हो रही है मींस कि एक्सेलरेशन कम हो रही है, बट उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं है इनिशियल वेलोसिटी तो मींस कुछ भी पॉइंट हो सकता है, ये इसमें पूरी लाइन में आप कहीं पे भी इसको शो कर सकते हैं, बट ज़ीरो पॉइंट पे नहीं करेंगे। देन एज अ थीटा इज 90 डिग्री। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है क्योंकि इसमें एंगल की बात होती है, तो जो ग्राफ का स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि इसमें जो 90 डिग्री पे एंगल बनेगा। अगर किस सिचुएशन में होगा ये, जब आपकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं होगी। अब इसका थर्ड टाइप आता है ग्राफ का, थर्ड टाइप है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में देखिए ये एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे टाइम। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट जब भी केस होगा तो यहाँ से ये स्ट्रेट जाएगी। और अगर यूनिफॉर्म होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करती है तो इस तरीके से, और अगर आपकी एक्सेलरेशन डिक्रीज करती है तो ग्राफ नीचे की साइड आएगा। तो ये जो तीन ग्राफ थे ये हमने नाइन्थ में बहुत बार पढ़े हुए हैं, नाइन्थ में ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। बट अब हमारा इलेवेंथ में ग्राफ चल रहा है, तो इलेवेंथ में हम स्लोप की बात करते हैं, स्लोप किस तरीके से निकालते हैं। तो अब जो हम ग्राफ पढ़ेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने तीन ग्राफ पढ़े, फर्स्ट पढ़ा एक्सटी और पोजीशन टाइम ग्राफ, सेकंड है वीटी ग्राफ, उसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं, एंड थर्ड कहते हैं एटी और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ हो गया। अब इन ग्राफ के अलावा हमारा जो मोशन इन वन डायमेंशन है, क्योंकि चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि मोशन हमेशा वन डायमेंशन में होगा। इसमें हमारे टोटल सिक्स टाइप ऑफ ग्राफ आते हैं। फर्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ जिसको कहते हैं। सेकंड आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ, एंड फोर्थ इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वीएस ग्राफ, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एएस ग्राफ, वेलोसिटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, वी स्क्वायर माइनस में एस ग्राफ। ये जो ग्राफ है अभी तक हमने सिर्फ इसे नॉर्मल पढ़ा है, बट अब आगे हम इसमें स्लोप देखेंगे कि स्लोप ग्राफ में कैसे निकाला जाता है। जब कभी भी आप ग्राफ की बात करते हैं और स्लोप वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें आती है। फर्स्ट आता है स्लोप ऑफ कर्व एंड सेकंड एरिया अंडर द कर्व।
एरिया अंडर द कर्व, सबसे पहले देखिए एरिया अंडर द कर्व में मैंने आपको यहाँ पे फोर एग्जांपल्स दे रखे हैं, फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ, थर्ड एंड फोर्थ, एक्स वाई एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एरिया अंडर द कर्व में हम एरिया निकालते हैं किसी भी मैथमेटिकल फिगर का, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो ये क्या होते हैं, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं। मैथ्स में हमने इसमें एरिया ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, ये सब चीज़ें पढ़ी होती हैं, उन्हीं फॉर्मूलेस के बेस पे हम इसमें स्लोप निकालते हैं। अब इसमें देखिए फर्स्ट है ये कर्व, ये जो लाइन है ये कर्व है, यहाँ पे आप रेक्टेंगल देखिए, ये ट्रायंगल हो गया और ये आपको ट्रेपीजियम दे रखा है। जब ट्रेपीजियम जैसी टाइप की शेप दे रखी होती है तो इसका मतलब है आप या तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं ट्रेपीजियम का एक फॉर्मूला लगा के, या फिर अगर आपको वो नहीं आता तो आप इसमें ट्रायंगल का निकालेंगे एरिया, उसके बाद में रेक्टेंगल का ऐड करके निकाल देंगे। और जो हमारा ये जो लास्ट वाला ग्राफ है जो अलग सी शेप दे दी है, ये आपका 1D में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब कभी भी आपके पास एग्जाम में स्लोप निकालने के लिए क्वेश्चन आता है तो सीधे सीधे ऐसे स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ आपको दिए जाते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एरिया अंडर द कर्व आप कैसे निकालेंगे। एरिया अंडर द कर्व के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पहली कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, अगर आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखें, एल इंटू बी होता है एरिया निकालते हैं, तब ट्रायंगल की बात करते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो इसमें चीज़ें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। आप एक एग्जांपल से देखिए एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल आप इसमें से ले सकते हैं। मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया है, ये आपका रेक्टेंगल है, आई नो ये थोड़ा स्क्वायर जैसा दिख रहा है बट ये रेक्टेंगल इमेजिन कर लीजिए आप, एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक का जो शेडेड पोर्शन है उसका आपको एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, एल ये हो गया आपका यहाँ पे 3 पॉइंट तक जा रहा है तो 3 ले लिया आपने, और बी यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 4, ये इनिशियल और ये फाइनल दोनों को माइनस करके आपने निकाला 2, तो ये 6 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये किसका एरिया आ गया, एक रेक्टेंगल का। तो इस अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आते हैं एरिया अंडर द कर्व पे। एरिया अंडर द कर्व के बाद में आता है स्लोप ऑफ द कर्व। अब ये जो वर्ड है स्लोप, इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, स्ट्रेट लाइन के में ना होके, मतलब आप जैसे कि किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं और किसी माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, इस टाइप का जब आपकी पोजीशन थोड़ी स्लांट होती है, देखिए इस टाइप की जब पोजीशन आती है तो उसे हम स्लोप कहते हैं। अब जब स्लोप ऑफ द मोशन या स्लोप ऑफ द कर्व पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट आता है एंगल बेसिस पे एंड सेकेंड आता है कोऑर्डिनेट बेसिस पे स्लोप को कैलकुलेट करना। दो कंडीशंस होती है, फर्स्ट आता है जब एंगल की बात करेंगे, सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट्स को लेके। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए देखिए m आपका जो m है यहाँ पे स्लोप के लिए मैंने लिया है, m इज इक्वल टू स्लोप होता है, अगर एंगल होता है तो आप उससे क्या लेते हैं, टेन थीटा। और अगर वहीं हम कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, मतलब अगर एंगल ना दिख गिवन हो, एंगल से बहुत इजीली निकल जाता है बट कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जब हमें एंगल नहीं गिवन होता, उस टाइम पे हम कोऑर्डिनेट्स को लेके सॉल्व करते हैं। दो पॉइंट्स कहीं पे भी आप ले लीजिए, x1 y1 एंड सेकंड वन इज x2 y2, ये दो कंडीशंस होती हैं स्लोप ऑफ द कर्व के लिए। जब हम एरिया अंडर द कर्व पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और स्लोप ऑफ द कर्व जब पढ़ते हैं तो उसमें हम डिवीजन करते हैं क्वांटिटीज का। ये आपका कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला है y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। आप दोनों को एक एग्जांपल से समझिए, ये आपका स्लोप है, स्लोप ऑफ द कर्व, यहाँ पे अंदर वाले इसका आपको एरिया निकालना है, तो स्लोप नेगेटिव होगा और एक सिचुएशन में स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दो ही सिचुएशंस आती हैं, या तो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, दोनों जब हम एंगल लेते हैं। तो नेगेटिव के लिए क्या सिचुएशन होती है, जब आपका जो थीटा है मीन्स की जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो उस टाइम पे 10 थीटा आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर थीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है तो ये 10 थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, इसके पॉजिटिव होने से जो स्लोप है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दो केसेस थे जब आप एंगल लेंगे और एक बार आप कोऑर्डिनेट लेंगे। इसके अलावा अगर बात करें स्लोप की, तो स्लोप कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकता है। ये तो थे हमारे दो टॉपिक्स, स्लोप ऑफ द कर्व और एरिया अंडर द कर्व। इसके बाद में जो टॉपिक्स आते हैं कि जो हमारे ग्राफ है उनमें स्लोप को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए 4 बेसिक एग्जांपल्स हैं ग्राफ के जो मैंने अभी आपको पढ़ाए थे, उनको आपको दिमाग में रखना है। फर्स्ट, अगर स्लोप 0 है,
सेकेंड स्लोप कॉन्स्टेंट है तो कैसे, इस कॉन्स्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो गया, अगर स्लोप इंक्रीज करेगा तो ऐसे होगा, डिक्रीज करेगा तो ऐसे होगा। ये चार सिचुएशंस अगर आपको याद रहती हैं तो आप इजीली इसके कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखिए वन डायमेंशंस में हम दो पॉइंट्स को यूज करते हैं, एक होता है डिफ्रेंसिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। जब कभी भी आप कैलकुलस मेथड यूज करते हैं, चाहे वो आपकी इक्वेशंस हो चाहे ग्राफ हो, तो हमेशा हम डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन टर्म को यूज करते हैं। फर्स्ट में देखिए वेलोसिटी के लिए, सेकंड वन हमारा एक्सेलरेशन के लिए। वेलोसिटी के लिए लेते हैं डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, इज इक्वल टू डी एस अपॉन में डी टी। इसे आपने इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट ये आपका डिफ्रेंसिएशन था, जब इसको इंटीग्रेट किया तो वी डी टी आ गया। सेम एक्सेलरेशन के लिए ऊपर वाला जो कंसेप्ट है डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, ये हमारा डिफ्रेंसिएशन में है, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आता है हमारा ए डी टी। इसके बाद में ये 1D और ये 1D के लिए सिचुएशन थी, अगर वेलोसिटी होगा तब क्या करेंगे और एक्सेलरेशन होगा तब क्या करेंगे। इसके बाद में आते हैं हमारे ग्राफ। फर्स्ट में देखिए स्लोप डी वाई अपॉन में डी एक्स, एरिया अंडर द कर्व अगर आपको लेना होता है तो क्या लेते हैं वाई डी एक्स। ये जो हमारे फोर बेसिक ग्राफ है ये इसके लिए है, अगर स्लोप लेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स और एरिया अंडर द कर्व आप लेंगे तो वाई डी एक्स। अभी जो हमने सिक्स ग्राफ के नाम मैंने आपको बताए थे, अब उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसे एस टी ग्राफ कहते हैं। इसमें जो स्लोप होता है वो डी एस अपॉन में डी टी लेंगे, डी एस अपॉन में डी टी। इसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन से आता है और स्लोप हमेशा डिफ्रेंसिएशन से आता है। इसमें जिसमें मैंने क्रॉस लगा रखा है इसका मतलब है कि वो वाला पोर्शन यूज में नहीं आता है। अगर फर्स्ट वाला ग्राफ देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो इसमें स्लोप आपका यूजफुल होता है वेलोसिटी के लिए, लेकिन जो एरिया अंडर द कर्व है उसका कोई यूज नहीं होता है। सेकंड ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिक्स ग्राफ में ये इकलौता ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप भी इम्पॉर्टेंट है और एरिया अंडर द कर्व भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका नाम, वी टी हो गया। इसमें स्लोप ऑफ द कर्व हमें एक्सेलरेशन देता है और एरिया अंडर द कर्व जिसको आप इंटीग्रेशन करते हैं वो उससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। इससे आपका वन मार्कर क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है कि अगर वी टी ग्राफ है तो उसका जो स्लोप है उससे आपको क्या मिलेगा, या एरिया अंडर द कर्व है उससे आपको क्या मिलेगा। इसके अलावा इसको शो करना भी आ जाता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट करिए। थर्ड ग्राफ आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ए टी ग्राफ। ये ए हो गया, ये टी हो गया। इसका जो स्लोप होता है कर्व का वो डी ए अपॉन में डी टी होता है, जो कि आपको कुछ नहीं देता, ये यूजफुल नहीं होता। एरिया अंडर द कर्व की बात करें तो ए डी टी इंटीग्रेशन से आता है, इसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। फोर्थ है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, जिसे वी एस बोलते हैं। इसमें हमारा स्लोप यूजफुल होता है, एरिया इसमें यूजफुल नहीं होता। तो ये मैंने इसको डिराइव किया, स्लोप हमेशा हम डिफ्रेंसिएशन से निकालते हैं, डी वी अपॉन में डी एस हो गया। एरिया की बात करेंगे तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे वी डी एस को, डी वी अपॉन में डी एस इक्वल्स टू ए और वी, ए एक्सेलरेशन वी इज वेलोसिटी, तो इसका स्लोप हो गया। अब इस पे क्वेश्चन आ जाता है, इसका मतलब हो गया ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों में से कौन सी चीज़ इंक्रीज करेगी, कब डिक्रीज करेगी, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाता है। फिफ्थ ग्राफ है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का मतलब है कि इसमें जो स्लोप है वो यूज़ में नहीं आता, एरिया यूजफुल होता है। ये स्लोप है डिफ्रेंसिएशन से आता है, एरिया ए डी एस है। इसमें आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में टू ए एस, या फिर वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। एरिया अंडर द कर्व आपको ये सिचुएशन में दे रखा है। इसी का जो ऑपोजिट ग्राफ है वो है वी स्क्वायर माइनस में एस स्क्वायर, मीन्स वेलोसिटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये दोनों नीचे वाले जो ग्राफ हैं ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि इनमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, ऊपर वाले फोर ग्राफ्स में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं करते। अब इसमें देखिए वी स्क्वायर और एस, स्लोप इसका निकालेंगे डी वी स्क्वायर अपॉन में डी एस, अगर कॉन्स्टेंट होता है तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है और इससे आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे। ये हो गए आपके ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, जितने भी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे, एक्स टी ग्राफ इसको बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो इसकी प्रीवियस वीडियो थी उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, तो आप जब तक उन वीडियोस को नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको ये टॉपिक समझ में ना आए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो। प्लीज़ स्टे ट्यून विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियो।